किसी ने ठीक ही कहा कि मिट जाएंगे तेरे सारे पाप और हो जाएंगे शुभ काम, लेके तो देख एक बार श्री हरि का नाम। क्या भगवान का नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाती है, जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी की छोटी सी कहानी के माध्यम से, जैसा कि हमारे शास्त्रों में परमात्मा के नाम की बड़ी विशेष महिमा भी बताई गई है। तो एक दिन स्वामी विवेकानंद जी जो है भगवान के नामों पर बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यान दे रहे थे। तो उस व्याख्यान में से बीच में से एक आदमी उठा और उसने कहा कि क्या आप एक ही शब्द को बार बार बोलते रहते हैं, जिस भी शब्द का वह जाप कर रहे थे, राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे। तो उसने कहा कि कभी आप एक शब्द को रट रट कर बोलते हैं, कभी किसी किताब में से उस शब्द को उठा लेते हैं उसको जपते रहते हैं, कभी किसी संत साधु महात्मा के दिए गए शब्दों का आप जाप करते रहते हैं, क्या महत्व है इन शब्दों का? तो वहाँ मौजूद सभी लोगों को अब लगा कि स्वामी विवेकानंद जी बड़े अच्छे ढंग से व्याख्यान देंगे और उस व्यक्ति को समझाएंगे कि भगवान के नाम की कितनी महिमा है। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने उस समय कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सब लोग हैरान रह गए। स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए कहा कि तुम एकदम मूर्ख हो, नीच हो, गंवार हो। स्वामी जी के मुंह से जो शब्द सुनकर सब लोग चौंक गए, हैरान रह गए, जो कि स्वभावतः होना ही था। वह व्यक्ति पहले से ही विरोध कर रहा था और स्वामी जी ने उसे गालियां और दे दी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, महात्मा हैं, संत हैं, आपके मुंह से ऐसे शब्द अच्छे नहीं लगते हैं, आपके मुंह से इन शब्दों को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है, आप ये क्या उच्चारण कर रहे हैं, मैंने ऐसा आपको क्या बोल दिया जो आप मुझे इतनी गालियां दे रहे हैं। तो स्वामी जी ने कहा कि मैंने आपको दो चार शब्द क्या कह दिए, आप तो गुस्सा हो गए, नाराज हो गए, मैंने आपको पत्थर तो नहीं मारा, धक्का तो नहीं मारा, दो शब्द तो कहे हैं। अब ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग समझ गए कि स्वामी जी ने उस व्यक्ति को अपशब्द क्यों कहे थे। फिर स्वामी जी ने सभी लोगों को समझाया कि हमारे मुंह से निकले अपशब्द क्रोध का कारण बन सकते हैं, तो हमारे मुंह से निकले शुभ शब्द प्रभु का, परमात्मा का, ईश्वर का स्मरण भी बन सकते हैं, और भगवान का नाम बार बार लेने से जीवन में सकारात्मकता आती है, मन में शांति आती है, दिन भर जो विचारों का गुब्बारा हमारे मन में चलता है उसमें शांति आती है, और एक शांत मन कहीं ना कहीं परमात्मा का ही दूसरा नाम है। इसलिए भगवान के नाम की जप की इतनी बड़ी महिमा है। तो इसी के साथ लेता रहिए, प्रभु का नाम बन जाएंगे आपके सारे बिगड़े काम। जय श्री कृष्णा।